तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। हमारे पास कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब मुझे नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करना होता है तो मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। पैरेलल का मेरे पास फॉर्मूला होता है नेट कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू। सी वन प्लस सी टू दैट मीन सी वन इज द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सी टू इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। अब नेट कैपेसिटेंस के लिए मैं सी वन प्लस सी टू करता हूँ, तो एक बार चेक करते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का सम आता है कि नहीं। तो मैंने पहले एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, ये मेरे पास एक LCR मीटर लगा हुआ है। जब मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट कैपेसिटर एक्टिव हो गया। रेड मतलब पॉजिटिव होता है, ब्लैक मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स कि पहला कैपेसिटर यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव प्लेट का काम कर रहा है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास लगभग 105 पिकोफैरेड का आंसर आ रहा है। तो मेरे पास लगभग 105 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस आ रही है। एक बार सेकंड कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। सेकंड कैपेसिटर की रेंज मेरे पास 133 पिकोफैरेड आ रही है। अब एक बार इनको चेक करेंगे हम सीरीज में और एक बार चेक करेंगे पैरेलल में। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर LCR मीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको मैंने फर्स्ट कैपेसिटर की पहली प्लेट पे कनेक्ट कर दिया है। अब LCR मीटर का दूसरा एंड मैंने इस पे लगा के रखा हुआ है, ये बन गया नेगेटिव प्लेट, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट। अब मुझे चेक करना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया। दैट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो मेरे पास आंसर आए थे, C1 की वैल्यू लगभग 105 पिकोफैरेड थी, C2 की वैल्यू लगभग 133 पिकोफैरेड थी। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। दैट मीन्स कि टोटल आंसर मेरे पास नियर अबाउट 238 पिकोफैरेड आना चाहिए। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं LCR मीटर को ऑन करता हूँ, मेरा आंसर आ रहा है नियर अबाउट 234-235। ये बहुत कैलिब्रेशन होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। दैट मीन्स कि मेरा आंसर लगभग 238 पिकोफैरेड आ गया। दैट मीन्स कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो सम ऑफ कैपेसिटेंसेस होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस होती है 1/C=1/C1+1/C2। तो मेरे पास फिलहाल दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिसकी पहले की कैपेसिटेंस 105 पिकोफैरेड है, दूसरे की कैपेसिटेंस मेरे पास 133 पिकोफैरेड आई है। अब इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। कैसे कनेक्ट करें? बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो कैपेसिटर की सेकंड प्लेट होगी वो अगले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी। सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को मुझे बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो ये मैंने LCR मीटर के नेगेटिव पे कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कि अभी कॉम्बिनेशन बन गया है सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों की कैपेसिटेंस हम लोग पहले ही एक बार अलग अलग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फॉर्मूले से अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा आंसर 1/C=1/C1+1/C2 आता है। इसको मैंने पूरा कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली मेरी नेट कैपेसिटेंस 58.82 पिकोफैरेड आना चाहिए। तो अब एक बार LCR मीटर को चेक करके देखते हैं कि नेट कैपेसिटेंस हमारी सही आ रही है कि नहीं। मेरा आंसर आ रहा है नियर अबाउट 61 पिकोफैरेड, जो मेरे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लगभग पास है। दैट मींस कि नेट कैपेसिटेंस हमेशा रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होती है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज ग्रुपिंग। थैंक यू।